फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग को आज बताऊंगा सिंग दिल से ऑडिशन 2020। तो ऑडिशन के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगा इस वीडियो में, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको फुल नॉलेज मिल सके सिंग दिल से के बारे में। तो इसका फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ऑडिशन का सिटीज़ कहाँ कहाँ होता है, मतलब कहाँ कौन कौन सिटी में आपका ऑडिशन लिया जाएगा। तो ये है न्यू दिल्ली, जयपुर, भोपाल, देहरादून, जम्मू, लखनऊ, पटना, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, रांची, रायपुर, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, नागपुर, सूरत, और जितना भी सिटीज़ है उसका मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। और जो होता है दोस्तों, लास्ट डेट इसका कब है, ये सबका क्वेश्चन रहता है कि लास्ट डेट इसका कब है। तो इसका लास्ट डेट मैं बता दूँ, जैसे सिटीज़ में होता है ऑडिशन जब होगा तो 500 करके कैंडिडेट्स लिया जाता है, तो 500 करके सब सिटीज़ में 500 करके कैंडिडेट्स हो जाता है। उसके बाद उसका लास्ट डेट तय हो जाता है कि इसमें लास्ट डेट आपका होगा। तो ये किस टीवी चैनल में टेलीकास्ट करता है, ये भी एक तो ये है कि मुद्दा है कि किस टीवी चैनल में इसको टेलीकास्ट किया जाता है। तो यह मैं बता दूँ कि यह कोई टीवी शो में टेलीकास्ट नहीं किया जाता है दोस्तों, यह कोई टीवी शो नहीं है, यह यूट्यूब चैनल में डाला जाता है। यह जिसमें देखिएगा सिंग दिल से 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया है, ज़्यादा हो गया है, उसमें आपका जो वीडियो रहता है उसको डाला जाता है, उसको जो जीतता है उसका वीडियो सब डालते हैं और उसमें उसका पॉपुलैरिटी बढ़ता है। तो ये कोई टीवी टेलीकास्ट नहीं किया जाता है, बस यूट्यूब में ही इसका प्लेटफॉर्म है, और जो इंस्टाग्राम ये सब जितना भी सोशल मीडिया है वो सब में डाला जाता है। और दोस्तों, इसमें जाने के लिए तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए फी जो लेते हैं, फ़ी क्यों ज़रूरी है बोलते हैं, फी जैसे सारेगामापा में, इंडियन आइडल में, सब में फ़ी नहीं लिया जाता है ऑडिशन के लिए। तो ऑडिशन के लिए इसमें फ़ी क्यों लिया जाता है, ये आपसे क्लियर करना ज़रूरी है। इसमें फ़ी इसलिए लिया जाता है क्योंकि दोस्तों ये बिना फुकट का बोल रहा है कि इसको ऐसे सिंगर नहीं चाहिए जो बोल रहा है कि बेकार का अनखे का भर जाएगा, बेकार ऐसे सिंगर भी है जो बेकार का फालतू गाता है वो भी भर जाएगा नहीं तो, इसलिए ये लोग एक तो फी सिलेक्ट करता है कि नहीं इतना फी होगा रजिस्ट्रेशन डेट ये के फी के लिए, और उसके लिए अच्छा अच्छा जो सिंगर रहेगा वही सब इसमें अप्लाई करेगा दोस्तों। तो यही वजह है कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन फी लिया जाता है। तो और एक मेन बात है कि इसमें जज कौन कौन रहता है, या फिर हम लोग का मन में क्वेश्चन आता है कि नहीं पॉपुलैरिटी सिंगर रहेगा या फिर कोई रहेगा आएगा, इसमें मैं बता दूं दोस्तों कि इसमें कोई ऐसा पॉपुलर सिंगर या फिर ऐसा प्रोफेशनल कोई नहीं रहता है। इसमें आप लोग का जज रहता है वही जो जीतते आ रहा है, जो पहले से जीतते आ रहा है वो रह सकता है, या फिर जिसका म्यूज़िक में एक्सपीरियंस है वो रह सकता है, बस वही रहता है, कोई टीवी शो का सेलिब्रिटीज़ वगैरह कोई नहीं रहता है। इसका आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ। और इस शो में जाने के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इस सबका क्वेश्चन रहता है क्वालिफिकेशन क्या है इसमें। तो इसके लिए मैं बता दूँ, प्रोग्राम में जाने के लिए कुछ खास ट्रेनिंग का ज़रूरत नहीं होता है, इसमें आपको कुछ ऐसा सिंगिंग का ये ट्रेनिंग लेने का ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहते हैं, आप अगर अच्छा गाते हैं, आपको लगता है कि दिल से मैं गाता हूँ, अच्छे से गाता हूँ, तो आपको जाना चाहिए, इसमें कोई राय नहीं है। और ऑडिशन देने के लिए एज जो होता है, एज लिमिट क्या चाहिए, जो पूछते हैं जैसे इंडियन आइडल में वगैरह में जाने के लिए एज लिमिट होता है एक, तो इसमें भी एज लिमिट है। इसमें दो तरह का ऑडिशन होता है, जिसमें जैसे जूनियर कैटेगरी होता है और सीनियर कैटेगरी होता है। जूनियर कैटेगरी में होता है आपको 5 से 15 साल का एज चाहिए, 5 से 15 साल तक जो जूनियर कैटेगरी में रहता है, और जो सीनियर कैटेगरी में रहता है उसको चाहिए 16 से 45 होना चाहिए उसका जो एज है, 16 से 45 दोस्तों। और जो इसका प्राइज होता है, प्राइज कैसे दिया जाता है, इसको प्राइज इसका जो होता है जो सीनियर कैटेगरी में होता है, 6 कंटेस्टेंट जो जीतते हैं उसको मौका मिलता है कि जो प्रोफेशनल वीडियो जिसको होता है, प्रोफेशनल वीडियो बनाया जाता है वो लोग के खर्चे से, और ऐसे में आप लोग बनाने जाएं तो बहुत ही खर्चा आता है दोस्तों, 10,000-20,000 खर्चा हो जाता है प्रोफेशनल वीडियो बनाने के लिए, और वो लोग बना के देगा फ्री, बिल्कुल फ्री,
और जो छः कंटेस्टेंट होता है उसका फ्री वीडियो बनाया जाता है, और जो सीनियर के जूनियर कैटेगरी में जिसका सिलेक्शन होता है उसका भी वीडियो बनाया जाता है, प्रोफेशनल वीडियो। और हमको लगता है कुछ पैसा भी रहता है, जैसे फर्स्ट प्राइज 1 लाख, सेकंड प्राइज 50,000, उस तरह का कुछ रहता है दोस्तों, मैं पूरा कंफर्म नहीं हूँ। और ये कोई ऐसा वैसा शो नहीं है दोस्तों, 1 मिलियन सब्सक्राइब होना बहुत बहुत ही मायने रखता है, 1 मिलियन बहुत सब्सक्राइबर है, और उसमें आपका जो वीडियो जाएगा वो लोग देखेगा, आपका पॉपुलैरिटी एक तो बढ़ेगा, और जो इंस्टाग्राम है वो लोग का, फेसबुक है, सब में आपका वीडियो डालता है, तो ये बहुत ही एक अच्छा बोलेंगे प्लेटफॉर्म है, तो आप लोग को जो इच्छुक है उसको जाना चाहिए। और इसका जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन किस तरह से होता है इसका, तो इसमें आप लोग का राउंड रखा जाता है, 3 राउंड होता है, 3 राउंड में से फर्स्ट राउंड बिना म्यूज़िक के गाना पड़ता है आपको, आपको म्यूज़िक कोई नहीं रहेगा, आपको खाली खाली गला में गाने गाने बोलेगा, आपका वॉइस चेक करेगा कि आपका वॉइस कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, किस तरह से वो लोग चेक करता है वो लोग जाने। दूसरा राउंड क्या होता है, कराओके के साथ गाना, कैरियोके के साथ गाना पड़ता है दोस्तों, कि आप लोग को बैकग्राउंड में म्यूजिक ट्रैक बजेगा उसके साथ आप लोग को गाना पड़ेगा, तो दूसरा राउंड ऐसा होता है। और तीसरा राउंड ऐसा है कि मतलब देखा जाए कि आप तीसरा राउंड में क्या होता है कि जो आपको देखेगा कि, और ये जो कहाँ होता है ऑडिशन इसका या फिर कंपटीशन कहाँ होता है इसका, जो कंपटीशन होता है वो होता है आपका स्टूडियो में, स्टूडियो जिम में जो आपको गाना गवाता है और वहीं पे वो लोग सिलेक्शन करता है। तो जब राउंड 3 होगा तो क्या होगा, तो म्यूजिक को वो बीट देगा और आप बीट के हिसाब से गाना पड़ेगा, और वो लोग देखेगा कि रिदम ठीक से आ रहा है कि नहीं, मतलब आप लोग का जो बीट मैचिंग हो रहा है कि नहीं वो देखेगा, आपका बीट मैच कर पा रहे हैं तो आप ठीक है, अच्छे से गा रहे हैं बीट मैच के, बीट के साथ, तो ये बढ़िया है, वो लोग सिलेक्शन कर लेगा आपको। और ये मस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस तरह का गाना गाना पड़ता है वहाँ पे, आप लोग किस तरह का गाना गा सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम बोल दें कि यहाँ पे ऐसा देखा नहीं जाता कि आप बॉलीवुड या फिर क्लासिकल गाना दोनों गा सकते हैं, किसी तरह का भी बॉलीवुड गाना या फिर क्लासिकल आपको जो अच्छा लगता है, आपका जो गले के लिए सूटेबल हो, आप जो गाने में सूटेबल है उस वही गाना गा सकते हैं आप, ऐसा कोई बात नहीं है। और मेन बात है कि दोस्तों रजिस्ट्रेशन फ़ी कैसा लगता है इसमें, तो इसके लिए मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन जो फ़ी है आपका वो आपका लगता है 1200 रुपया दोस्तों, 1200 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा। और ये रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसके लिए भी मैं एक तो वीडियो बना दूंगा, नेक्स्ट वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, तो इसके लिए मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, तो देख लीजिएगा आप लोग। और इसका जो ऑर्गेनाइज़र है दोस्तों, कौन ऑर्गेनाइज़ करता है इसका शो, कौन इसका मालिक है, तो यह जो जितना भी ये शो किया जाता है या फिर कुछ भी इसका जो ये है नेक्स्ट्रा प्रोडक्शन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, अगर ये वीडियो यूज़फुल है तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।